हो जाइए तैयार और दो मिनट में जानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का हाल। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं ड्रैगन फिल्म से, जहां जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की धांसू पैन इंडियन फिल्म का नाम होगा ड्रैगन। आपको बता दें, एनटीआर इन दिनों अपने आने वाली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। उन्होंने ऋतिक रोशन के फिल्म वॉर 2 में अपने हिस्से की शूटिंग कर ली है। अब वो अपने अगली फिल्म की शूटिंग में लग गए हैं। इसके बाद एनटीआर प्रशांत नील के साथ एक फिल्म में काम करते हुए नजर आएंगे और उस फिल्म का नाम ड्रैगन होगा। इसी के साथ आपको बता दूं कि ड्रैगन फिल्म का टाइटल पहले करण जौहर के पास था, जो उन्होंने फ्री में प्रशांत और एनटीआर को दे दिया है। प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर पहली बार एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग के टाइमलाइन का कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। अब बात करें अगली फिल्म यानी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की, तो आपको बता दें कि खबर आ रही है कि ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 में देव का रोल ऋतिक रोशन निभाते हुए नजर आएंगे। काफी दिनों से गेस लगाया जा रहा था कि ब्रह्मास्त्र के दूसरे पार्ट में देव यानी रणवीर के पिता का रोल रणवीर सिंह निभाएंगे। ये चर्चा काफी दिनों तक चली, मगर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन का नाम सामने आ रहा है। जी हां, इस बार हमें ब्रह्मास्त्र 2 में ऋतिक रोशन देव के रोल में नजर आएंगे। अब बात करें अगली फिल्म यानी स्वयंभू की, तो आपको बता दें कि भाई इस बार निखिल सिद्धार्थ की नई फिल्म के एक्शन सीन पर खर्च होंगे 8 करोड़ रुपए और इसी के साथ सीन में 700 एक्टर्स भी होंगे। कार्तिकेय 2 के बाद निखिल सिद्धार्थ एक और बड़े स्केल की फिल्म में काम कर रहे हैं। इस फिल्म का नाम है स्वयंभू। ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म बताई जा रही है, जिसे पैन इंडियन लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म की शूटिंग फिलहाल हैदराबाद में चल रही है। यहाँ फिल्म के सारे एक्शन सीक्वेंस शूट होने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो स्वयंभू के एक एक्शन सीक्वेंस पर मेकर्स करोड़ों रुपए फूक रहे हैं और ये एक वॉर सीक्वेंस होगा, जिसमें 700 एक्टर्स नजर आएंगे। अब बात करें अगली फिल्म यानी रामायण की, तो आपको बता दें कि रामायण फिल्म से एक और एक्ट्रेस का नाम जुड़ गया है। जी हाँ, फिल्म में एक और एक्ट्रेस की एंट्री हो गई है। रामायण की शूटिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म की कास्टिंग का काम अभी भी जारी है। इस लिस्ट में अब द केरल स्टोरी की फेमस सोनिया बलानी का नाम भी जुड़ गया है। रिपोर्ट्स की माने तो नितेश तिवारी ने रामायण के लिए सोनिया को फाइनल कर लिया है और उन्हें अपनी पिक्चर में उर्मिला का रोल दिया गया है। उर्मिला भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी थी। उनके काम को देखते हुए नितेश तिवारी ने ये फैसला लिया है कि इस फिल्म में सोनिया बलानी भी जुड़ जाएंगी। तो दोस्तों, आप सभी का क्या कुछ है कहना, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल बॉलीवुड पैशन के साथ।